बांदा गल्ला व्यापार मंडल व जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह को लिखित शिकायत पत्र दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां पर बांदा गल्ला व्यापार मंडल व जिला उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र देकर बताया कि हमारे संगठन के व्यापारी रामबाबू गुप्ता पिता गंगा गुप्ता मालिक मालिक फर्म में बालाजी आयल मिल दुकान सम 0-7 मंडी समिति स्थल बांदा के मुनीम नत्थू प्रसाद साहू ने ₹15 लाख द्वारा चेक संख्या 6,84,185 से नकद भुगतान SBI शाखा अलीगंज से प्राप्त किया है। वह बैंक के गेट से निकलते ही कुछ अपरिचित महिलाओं ने साइकिल गिराकर रुपए से भरे बैग को ब्लेड से काटकर ₹50,000 की एक गड्डी चोरी करके निकाल लिया। मंडी आकर जानकारी हुई, सभी लोग ने पुलिस को एक लिखित तहरीर देकर बदमाशों को पकड़ने की मांग की। बताया कि इस समय फसल समय चल रही है, किसान वगैरह ज्यादा की संख्या में मंडी में आते हैं, रुपए ज्यादा मात्रा में लेन देन करना पड़ता है, सुरक्षा की आवश्यकता है। इस घटना से व्यापारी भाई भी तो आक्रोशित है। हमारा संगठन निवेदन करता है कि इस घटना का खुलासा होना आवश्यक है। वो पुलिस सहायता बैन संख्या 112 की बैंक से मंडी तक आवाजाही दिन में कई बार व्यवस्थित कराई जाए। इस मौके पर महामंत्री राजकुमार गुप्ता, सुरेश चंद्र कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, आशीष अध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शैलेंद्र त्रिपाठी, चित्रकूट धाम, बांदा मंडल प्रभारी। आज हमारे साथ, हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए कप्तान साहब। 13 तारीख को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था सुरक्षा व्यवस्था की मांग कि हमारा गल्ला व्यापारी इस समय जो सीजन चल रहा है उसमें पैसा का आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। जितना हम यहाँ पर ज्ञापन दे के निकले ही हैं कि हमारे एक व्यापारी के अलीगंज ब्रांच है स्टेट बैंक, वहाँ से 50,000 रुपये काट के महिलाओं ने निकाल लिया। एक घटना तो ये हुई है, इसके लिए हमने सुरक्षा व्यवस्था की मांग किया। एक अप्लीकेशन हमने कोतवाली बांधा में दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। विवाद से 14 के बाद 15 को फिर एक घटना होती है। हमारा एक व्यापारी पेट्रोल पंप का अपना पैसा जमा करने आया था, तो वो पैसा जमा करने के पूर्व भी वहाँ एक टप्पेबाज लोग खड़े थे। उन्हें कहा, देखिए देखिए आपके बोनट से धुआं निकल रहा है, इतना वो देखने ही लगा है कि उसके 8 लाख रुपए बैग सहित लेके निकल। इस तरह से अगर हमारे साथ इस तरह की घटना होती रहेगी तो हम कैसे जिएंगे। इसके लिए हम सुरक्षा की मांग करने आए कप्तान साहब के पास और सुरक्षा व्यवस्था हमें दी जाए। क्या कप्तान साहब से मुलाकात हुई अभी आपकी? नहीं हुई है, आने वाले CEO साहब से हमारी बात होना है, ये हमें अभी आश्वासन मिला है। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं।